से करने से पहले हम कुछ रिजल्ट जो हैं वो डिड्यूस करेंगे, तो वो पहले करेंगे, ठीक है, क्योंकि वही जो रिजल्ट आप निकालेंगे वो इस्तेमाल होंगे हमारी एक साइड। अच्छा, तो जो पहला है ना उसमें क्वेश्चन है, एग्जांपल है, वो इस तरह किया है कि फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यूनिटी या वन कह देते हैं, यूनिटी वन, यूनिटी लिखा हो या वन लिखा हो। अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो वन एक ऐसा डिजिट है जिसके जितने हम आंसर चाहे लेके आ सकते, ठीक है। फर्स्ट ये में है कि फाइंड द फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी, के यूनिटी के फोर्थ रूट्स लेके हैं, रूट्स मीन आंसर, ठीक है। जो वन है ना यूनिटी है, उसके हम दो भी आंसर आ सकते हैं, तीन भी आंसर आ सकते हैं, आंसर मीन रूट्स, रूट्स मीन आंसर। तो फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के, यूनिटी के हम तीन आंसर्स लेके आएंगे, वो जो तीन आंसर्स लेके आएंगे ना उससे हमें हम कुछ प्रूव करेंगे, हमारी पूरी एक्सरसाइज जो 2.2 है उस पर डिपेंड करती है। इसलिए हम सबसे पहले फाइंड करेंगे कि वन के क्यूब मीन तीन, रूट्स मीन आंसर, के वन के जो तीन आंसर आएंगे वो कौन से हैं, ठीक है, वो हम निकालेंगे। अच्छा, एक लफ्ज है क्यूब रूट्स और एक अगर इन्हें अलहदा पढ़े तो लफ्ज है क्यूब रूट, क्यूब को अलहदा और रूट्स को अलहदा, ठीक है। अगर हम इसको पूरे को बैठा बने ना तो क्यूब रूट्स है, ठीक है, क्यूब रूट्स ऐसे, ये इसको बोलते हैं क्यूब रूट्स, पूरे को अगर इकट्ठा पढ़े ना तो इसका मतलब ये है क्यूब रूट्स, अलहदा अलहदा पढ़े तो क्यूब का मतलब तीन, रूट्स का मतलब आंसर, ठीक है, आंसर। तो हम आंसर की बजाय रूट्स का ही इस्तेमाल करेंगे, रूट। अच्छा, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, हमने क्या फाइंड करना है, वन के कितने आंसर फाइंड करने हैं, तीन, तीन आंसर्स फाइंड करने हैं, देखते हैं वो क्या है, ठीक है। तो हम जब सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि आंसर हमेशा किसी वेरिएबल का होता है, ठीक है, पहला चैप्टर जो हमने पढ़ा वेरिएबल, कोई हम वेरिएबल कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूं, तो मैं लिखूंगा लेट एक्स बी द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी वन, यानी कि हमने जो हमारे रूट्स आएंगे ना उनको हमने नाम क्या दे देना है, एक्स का, ठीक है। अब इसको स्टार्ट करते हैं, तो हमने कहा कि ये एक्स है, अब वन का क्यूब रूट लेना है, ठीक है, इकट्ठा करते हैं, तो ये लिखूंगा वन और उसके ऊपर क्या लगा दिया हमने, कौन सा रूट लगा दिया, क्यूब रूट। अगर वो कहें ना कि फोर्थ रूट, तो हम क्या करेंगे, वन के ऊपर जो रूट लगाएंगे, देखे यहां कुछ नहीं है या टू है, इसका मतलब है स्क्वायर रूट, क्या मतलब है इसका, स्क्वायर रूट, और अगर फोर है तो फोर्थ रूट, फिफ्थ है तो फिफ्थ रूट, इसी तरह हम बढ़ते जाएंगे आगे। तो उन्होंने हमें कहा कि फाइंड करने हैं आपने वन के तीन आंसर्स, वन के कितने आंसर्स लेके आने, तीन, तो इसलिए हमने वन के ऊपर क्या लगा दिया, यहाँ पे क्या लगा दिया, क्यूब रूट, ठीक है, ये तीन का मतलब है क्यूब। चलिए, हमें पता है क्यूब रूट है ना, यहाँ पे क्यूब रूट को खत्म करने के लिए ना हमें क्यूब लेना पड़ता है, ठीक है, जिस तरह x is equal to या x के कोई नंबर लिख लेते हैं, 2 है, 2 के ऊपर ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए ना हमें दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ता है, इसी तरह हमें क्यूब रूट खत्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब लेना पड़ता है, ठीक है। तो यहां हम क्यूब रूट को खत्म करने के लिए टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा, इधर भी x का क्यूब ले लिया इज इक्वल टू 1, इधर जो भी है इसका भी हमने क्या ले लिया, क्यूब ले लिया, ठीक। अच्छा, क्यूब क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि हमने
यहां से क्यूब रूट को क्या करना था, खत्म करना था, ठीक है, क्योंकि हमने वन के कितने आंसर लेके आने हैं, तीन, तो तीन आंसर उसी वक्त आएंगे जो हमने कहा वेरिएबल, वेरिएबल की पावर तीन आए, तब हमारे पास आंसर तीन आए, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया, x की पावर 3 इज इक्वल टू ये क्यूब, इस क्यूब रूट को खत्म कर देगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने इसके आंसर कितने लेके आने हैं, तीन, तीन उसी वक्त आएंगे, तो 1 को उधर शिफ्ट करें, x क्यूब प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। अब देखो जरा गौर से, हमने 9th में एक फैक्टराइजेशन की थी, वो ये फैक्टराइजेशन थी, जब दो रक में हो और दोनों किसी न किसी का क्यूब हो, दो रक में हो और दोनों किसी का क्यूब हो, उस वक्त हम उसे कैसे एक्सपेंड करते, तो ऐसे था फॉर्मूला, वो ये था ऐसे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऐसे। तो आप देखेंगे कि ये किसका क्यूब था, ए का माइनस, ये किसका था, बी का। इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो ऐसे आता था ए माइनस बी, फिर आता था ये जो पहली रकम है ना ए, इसका क्या लेते थे हम स्केल, फिर ये जो दूसरी रकम है ये, इसका इधर ही लेते थे, इसका लेते थे स्केल, फिर ये माइनस है ना, तो क्या आ जाता था, प्लस, माइनस है तो प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी कि इसको एक्सपेंड ऐसे किया, अगर यहाँ पे क्या होता, प्लस होता ना, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाता, और इस जगह जहाँ प्रोडक्ट देखते हैं इस जगह पे क्या आ जाता, माइनस आ जाता। फिर देखते हैं, क्योंकि हमने यहाँ क्यूब को एक्सपेंड करना है, ठीक है। देखें, जब दोनों रख में किसी का क्यूब है तो उसको ऐसे एक्सपेंड किया जाता है, एक क्यूब तो ये है ना, एक क्यूब ये होता है ए माइनस बी का होल क्यूब, एक ये क्यूब है, ये क्यूब इस्तेमाल होता है प्रोडक्ट के वक्त, और ये जो क्यूब वाला फॉर्मूला है ना अलग अलग है, ये इस्तेमाल होता है फैक्टराइजेशन के ऊपर, और फैक्टराइजेशन और प्रोडक्ट एक दूसरे का इनवर्स प्रोसेस है, ठीक है। चलो, ये कैसे एक्सपेंड करते थे हम, ये ऐसे था, फर्स्ट का क्यूब माइनस सेकंड का क्यूब माइनस 3 फॉर्मूले का इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड, ये बात खत्म नहीं हुई, पर ये साथ ही क्या आ जाता है, इंटू वो सारे जिसका हमने क्या लिया था, क्यूब लिया था, ये होता है, और अगर प्लस है ना तो हर तरफ प्लस आ जाता है। ये क्यूब वाला फॉर्मूला कब इस्तेमाल होता है, जब होल का क्यूब हो, और ये कब इस्तेमाल होता है, जब अलग अलग क्यूब हो, क्यूब को समझे अब, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने वहां पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहां मैं ये हटा देता हूं, तो ये था, इसके हिसाब से हम आ चलेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमारी असल रकम क्या है, यहां ये एक्स का क्यूब है, और हमें पता है वन का क्यूब वन ही होता है, इज इक्वल टू 0 आ गया। अगर यहाँ 1 की बजाय कोई और नंबर होता तो फिर उसके हिसाब से, जिस रफ्त करें यहाँ 1 की बजाय 8 होता तो 8 किसका क्यूब होता, 2 का, 27 होता 3 का होता, ठीक है, 64 4 का होता, इसी तरह। चले अब इसके हिसाब से इसको एक्सपेंड करते हैं, तो क्या आएगा, x माइनस 1, ठीक, x माइनस 1 ये a माइनस b, यहाँ वहां x था, यहाँ a की जगह वहां x आ गया और b की जगह वहां 1 आ गया। फिर क्या आएगा, गौर करें, फिर पहले का स्केल यानी कि x का स्केल, ठीक है ये, फिर प्लस, हमेशा प्लस यहां आता है, फिर दूसरी का स्केल, 1 का स्केल 1, 1 का स्केल 1 आ गया, फिर माइनस है तो क्या आ गया, प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी कि x इंटू 1, ये फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो क्या आ जाएगा, x इंटू 1 मीन x आ गया, x 1 था x इज इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। अब हमें पता है ये दोनों आपस में प्रोडक्ट हो रही है और उस तरफ क्या है, 0 है, तो उनको अलग अलग 0 के इक्वल किया जा सकता है, ठीक, यानी कि x माइनस 1 को भी 0 के इक्वल कर दिया और x स्क्वायर प्लस 1 प्लस x को भी किसके इक्वल प्रूव कर दिया, 0 के इक्वल प्रूव कर दिया, ठीक। अच्छा, ये क्या होता है, अगर फर्ज करें ये देखें x प्लस 1 है इंटू x प्लस 3 है, कुछ भी है, इक्वल टू 0 के अलावा अगर कोई नंबर आ जाता है, 0 के अलावा मीन 5 आ जाता है, तो अब आप x प्लस 1 को 5 के इक्वल या x प्लस 3 को 5 के इक्वल नहीं करेंगे, ये नहीं, ऐसे नहीं कर सकते आप। उसी वक्त किया जा सकता है जब दो चीजें प्रोडक्ट हो रही हो और उस तरफ 0 हो,
तब भी आप इन दोनों का अलग अलग जीरो के इक्वल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ, अगर इसके बीच में प्लस आ जाता है फिर भी आप उसको जीरो आ जाता है, इधर जीरो आ जाता है, बीच में प्लस आ जाता है, फिर भी आप इन दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल नहीं कर सकते। जीरो के इक्वल उसी वक्त किया जा सकता है, दो शर्तें, एक ये दोनों प्रोडक्ट हो रही है और उधर क्या हो जीरो, तब आप उसे अलग अलग जीरो के इक्वल। अब यहाँ एक्स पावर वन है तो एक रूट ले, तो x का आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस वन तो जाकर प्लस वन, एक आंसर हमारा आ गया है वन। अब इधर इधर क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमने जो तीन तरीके पढ़े उनमें से कोई एक तरीका लगाना, तो बेहतर है क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि मैंने कहा कि जो पहला फैक्टराइजेशन वाला रूल है वो नहीं लग सकता हर एक, ठीक है, लेकिन जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो हर एक पर अप्लाई हो सकता है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा। ये फॉर्मूला समझ में चले, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इधर आओ, इधर एक एक तो हमारा आंसर आ गया ना बार, ठीक है। तीन हमने आंसर्स लेके आने थे, क्यूब क्यूब रूट्स लेके आने थे, तीन आंसर लेके आने, एक आ गया हमारे पास, ठीक है। अब ये क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पावर टू है तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। पहला मेथड फैक्टराइजेशन ही लगाना, ठीक है, ये वो बोला भी नहीं सकता ना, क्या तीन से लिख लेना, एक्स के बाद x आए और फिर प्लस का वन, यही हमने पढ़ा था ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए, पहले उसके वाला फिर पावर का वाला लिखा। चलो हमें पता है यहाँ पे a कितना है वन, b भी कितना है वन और c भी कितना है वन, ठीक है। एक्स के का कोएफिशिएंट वन, ये एक्स का कोएफिशिएंट वन, ये कांस्टेंट वन, ठीक होगी। अब लगाते हैं फॉर्मूला, तो फॉर्मूला क्या था, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस फोर ए सी और सबके नीचे क्या आ जाएगा टू। चलो माइनस बी की जगह क्या लगा दूं मैं वन, फिर बी की जगह वन, वन का स्क्वायर माइनस फोर, ए की जगह वन और सी की जगह भी वन और सबके नीचे टू इंटू वन, और फिर बात करें आप ये जो टू ए है ना ये सबके नीचे है, ठीक है, सिर्फ अंडर रूट के नीचे नहीं है, ये 2a इधर से शुरू होता है, ये फ्रैक्शन इधर से शुरू होती है माइनस से। चलो तो क्या आ गया माइनस वन प्लस माइनस, हमें पता है वन का स्क्वायर वन हो गया, माइनस फोर वन जा फोर वन जा फोर, फोर वन जा फोर फोर और सबके नीचे टू इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ गया माइनस वन प्लस माइनस, हमें पता है कि माइनस की बड़ी है तो माइनस का तीन आ गया हमारे पास और नीचे कितना है टू, और उसी तरीके से कि अंडर रूट के अंदर माइनस तो नहीं होना चाहिए तो माइनस को खत्म करने के लिए बाहर अयोध्या लगा देंगे, ठीक है, माइनस को खत्म करने के लिए बाहर अयोध्या लगा देंगे, तो क्या अंडर रूट थ्री तो अंडर रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि इसका तो पेड़ को नहीं है बाहर आने के लिए, लेकिन ये माइनस बाहर आगे क्या बन गया अयोध्या बन गया, ठीक है, और नीचे कितना आ गया हमारे पास टू, जिस तरह आपने किया ये माइनस थ्री का मतलब है माइनस वन इंटू थ्री, क्योंकि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई करें फर्क नहीं पड़ता ना, इसलिए हमने 1 लगाया। अब हमें पता है कि माइनस 1 जो है वो अयोटा स्केयर होता है, अब अयोटा के पास तो अपना पेयर है देने के लिए, वो तो बाहर आ जाएगा, 3 के पास नहीं है तो 3 अंडर रूट के अंदर ही रह जाएगा और अयोटा की तरह आ जाएगा बाहर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा, अच्छा अब देखो उसे, अब ये क्या आ रहा है हमारे पास वेरिएबल x आ रहा है, x वेरिएबल हमारा x आ रहा है, अब देखते क्या होगा, x इक्वल टू एक क्या आंसर आ गया माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाय टू, और दूसरा हमारे पास क्या आंसर आ गया माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड, और ये आयोटा इनपुट से बाहर है, ठीक है ना, क्योंकि ये अब माइनस वन था ना, माइनस वन आयोटा बाहर आ गया। अब देखिए बोल से, अब ये एक बड़ी सी चीज आई है, इसको हम जी सिंप्लीफाई तो नहीं कर सकते ना, क्यों, क्योंकि ये इमेजिनरी पार्ट है जिसके साथ ये होता लगा, तो इमेजिनरी पार्ट ये रियल है, रियल इमेजिनरी ऐड नहीं हो सकता, ठीक। अब हमारे पास एक ये आंसर आ गया और एक ये आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए ये बड़ा सा आंसर है, ठीक है, इसको जो है ना हम इतने बड़े को लिखने के लिए हम इसे कहते हैं ये ओमेगा, ओमेगा इतना बड़ा आंसर है, ठीक है। याद रखना है कि ये सारा देखें इसमें रियल है इमेजिनरी है, बड़ा आंसर है ना, इसको आप क्या क्या कह देते हैं
ये ओमेगा है, क्या ये ओमेगा, इसको ओमेगा कहेंगे। और ये जो माइनस वाला है, ये माइनस वाला जो है ये है ओमेगा का स्केल, ये डब्ल्यू की तरह थोड़ा सा टेढ़ा, दोनों तरफ से टेढ़ा लिखना है, ठीक है, और ये ओमेगा का स्केल आ गया। तो एक ये हमारा आंसर आ गया और एक ये हमारा आंसर आ गया। और जहां पे भी ओमेगा है इसका मतलब ये सारी चीज है, और जगह ओमेगा स्केल है वहां ये माइनस वाला है सारा, ठीक है। और कई क्वेश्चन में ऐसे आएगा वो कहेंगे कि ये जो है वन प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाई टू है, तो ये ना ओमेगा है ना ओमेगा स्केयर है, क्योंकि यहाँ माइनस होगा तो ये ओमेगा, ये ओमेगा स्केयर होगा, ठीक है ना। यहाँ अगर माइनस नहीं है तो फिर ना ये ओमेगा ना ये ओमेगा स्केयर, ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, तो ये तीन आंसर आ गए। एक चीज याद रखनी है, जहां पे भी ओमेगा होगा ना वहां हमने ये सारा नहीं लिखना, जहां पे ये सारा होगा ना वहां ओमेगा लिख सकते हैं, या यहाँ ये सारा होगा वहां ओमेगा स्केयर लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी चीज ओमेगा का मतलब है, जहां पे भी ये सारा होगा वहां उसका मतलब है ओमेगा, ओमेगा इसलिए हमने उसको शॉर्ट किया कि वो जो बड़ा सा डिजिट है ना, जो ओमेगा है, जो आंसर है, उसको छोटा करके लिखते हैं, ठीक है। तो कहीं पर भी सिर्फ जब हम प्रूव करेंगे ना कोई चीज तो वहां ओमेगा की जगह ये वैल्यू लिखनी है, लेकिन जहां पे भी क्वेश्चन आएगा ना ओमेगा वाला, तो ओमेगा की जगह ये वैल्यू नहीं लिख देनी आप, ठीक है, याद रखना है ये। इसलिए क्योंकि देखे ना ये बड़े से नंबर है, बड़ा सा नंबर है, उसको शॉर्टली सिंबल में अपनी इससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मैथ में कई सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें हम चीजों को, जिस तरह लेस देन है, लेस देन के लिए हम वो लेस तो नहीं, लेस देन तो लफ्ज नहीं लिखते बल्कि ऐसे सिंबल लगाते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में हम ज्यादा से सिंबल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जिस तरह देयरफॉर के लिए हम, बिकॉज के लिए हम ये साइन इस्तेमाल कर लेते हैं, बजाय वो लिखने के लिए हम इस तरह सिंबल्स के। अच्छा, एक तो ये चीज होगी हमारे पास, फिर देखते हैं इसको, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। इसी तरह हम काफी सारे क्यूब रूट्स फाइंड करेंगे, 125 का करेंगे, इस तरह पहला भी क्वेश्चन हमारा। पर अभी हम क्या कर रहे थे, अभी ये प्रूव करेंगे कुछ चीजें हम डिड्यूस करेंगे, तो उसके लिए ये देखते हैं। तो इसके तीन आंसर आ गए, कौन कौन सा, एक वन आया एक्स का, एक ओमेगा आया और एक ओमेगा का स्केल आया, ये तीन हमारे पास क्यूब रूट्स आए, ठीक है। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या आ गया हमारे पास, 10 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, और क्या क्या आए हैं हमारे पास, एक आया है वन, एक आया है ओमेगा, और एक आया है ओमेगा का स्केल। ये हमारे पास वन के तीन आंसर आ गए हैं, और जहां पे भी ओमेगा है तो ओमेगा आपको पता क्या है, माइनस वन प्लस रूट थ्री और डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। और ओमेगा स्क्वायर आपको पता है वो क्या है, माइनस वन, इधर क्या आ जाएगा बीच में, माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे तीन आंसर हैं। अब हम कुछ प्रूव करते हैं इन्हीं से रिलेटेड, जो दो प्रूफ हैं जो हमारे आगे काम आएंगे उनको देखते हैं, ठीक है। ये आंसर लिखे हैं, प्रॉपर्टीज हैं कुछ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की, कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनको देखते, ठीक है, वो उसे लिखा देखें। प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी तो चार है लेकिन यहां हमारे दो हैं, दो डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉपर्टी ये है, प्रूव दैट सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, साबित ये करना है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को सम करें, यानी कि इसके जो तीन आंसर आए हैं इनको सम करें, इज जीरो। के जो क्यूब रूट्स के आंसर आए ना तीन, इनको सम करें, ऐड करें, तो रिजल्ट क्या आता है, जीरो आता है। देखते हैं, प्रूव करते हैं, जीरो आता है या नहीं आता, देखते हैं। प्रूफ पे आते हैं, वन हमने प्रूफ क्या करना है, वन प्लस ओमेगा का स्क्वायर, रिजल्ट क्या आता है, जीरो आता है। चेक करते हैं जीरो आता है या नहीं आता, चलिए वन है, वन की जगह वन, प्लस ओमेगा है,
ओमेगा है, ओमेगा की वैल्यू ठीक है, यहां जो कि हम प्रूव करने लगे किसी चीज को ज्यादा ओमेगा की वैल्यू डालनी है। चलिए वो क्या है, माइनस वन प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाय टू, फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, माइनस वन माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा डिवाइडेड बाय टू। चलो इक्वल के नीचे इक्वल, हमें पता है जब एक चीज फ्रैक्शन में है या दो चीजें फ्रैक्शन में है, अलग अलग फ्रैक्शन में है, तो आप क्या करते हैं एलसीएम लेते हैं, तो हम इन सब का एलसीएम लें तो एलसीएम टू आ जाएगा, टू एलसीएम कितना आ गया टू, और जिसके नीचे कुछ नहीं है तो एलसीएम डायरेक्टली उससे क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, जिससे एलसीएम लेते हैं तो टू वन जा टू, और जिसके नीचे एलसीएम होता है वो चीजें ऐसे ही आ जाती है ठीक है, और प्लस का मतलब आगे साइन चेंज नहीं होंगे, प्लस का मतलब आगे साइन चेंज नहीं होंगे, जो है वो ही आएंगे, तो क्या आ जाएगा माइनस का वन फिर आ जाएगा प्लस का अंडर रूट थ्री आयोटा, ये भी प्लस आगे साइन चेंज नहीं होंगे तो क्या आ गया माइनस वन और माइनस अंडर रूट थ्री आयोटा ठीक है। अब देखते हैं जो चीजें काट सकती हैं काटते हैं, तो देखें प्लस का थ्री आयोटा और माइनस का थ्री आयोटा क्या हो गया कट गया, अब देखें माइनस वन और माइनस वन माइनस का टू और ये प्लस का टू है, ये भी क्या हो जाएंगे काट जाएंगे, देखें दूसरे रजू में टू में से वन निकाला वन प्लस वन और ये माइनस वन कट गया तो क्या आ गया ऊपर जीरो, तो हमें पता है किसी भी चीज के ऊपर न्यूमरेटर में जीरो आ जाए, नीचे जितनी बड़ी मर्जी वो जीरो ही होती है तो जीरो आ गया, तो हमने ये प्रूव करना था वन प्लस ओमेगा का स्क्वायर जो है वो जीरो है ठीक है, ये हमने प्रूव करना, देख लें हमने तीनों रूट्स जो है यूनिटी के जो तीन आंसर आए हैं उनको ऐड किया है तो रिजल्ट क्या आया, जीरो आया, इधर से हम कुछ और इस तरह भी हो सकता है कि वन प्लस ओमेगा जब हम पे भी आएगा ओमेगा स्क्वायर तो जाके माइनस हो गया, इसी तरीके से वन प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर ही पड़ा रहने दें तो ओमेगा उधर जाके माइनस हो जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर तो वन उधर जाके माइनस। एक और चीज याद रखनी है कि ये जो यूनिटी के तीन आंसर्स आए हैं ना, जो तीन रूट्स आए हैं उनमें से एक रियल है और दो इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स है, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है, इनमें योटा है, जिनमें योटा आता है उन्हें बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स ठीक है, तो जो एमसीक्यूज में आ सकता है कि जो आंसर्स आए हैं ना यूनिटी के तीन आंसर जो आप लेके आए हैं उनमें रियल कितने हैं और इमेजिनरी कितने हैं, तो एक रियल है बाकी दो क्या है इमेजिनरी है, इमेजिनरी क्यों है क्योंकि इनमें योटा आता है। अच्छा तो इधर से हम ये इस्तेमाल हो गया फॉर्मूले क्या के दो तीन रूट है ना उसके वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, अगर दो प्लस हो रहे हैं तीसरा उधर जाके माइनस हो जाएगा ठीक है, इन दोनों को इधर तीसरा उधर जाएगा क्योंकि ये हमारे पास है। अब प्रॉपर्टी नंबर टू को डिस्कस करते हैं, ये प्रॉपर्टी नंबर वन थी, प्रॉपर्टी नंबर वन क्या थी कि सम करें ना क्यूब रूट को, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को तो रिजल्ट हमारा जीरो है ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया जीरो है, देखें वन की जगह वन ओमेगा की जगह ओमेगा ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर सम किया एलसीएम टू आ गया, टू वन जा टू और एलसीएम वगैरह लेके देखा तो बाकी सब जीरो आए ठीक है, ये हमने प्राप्त किया। प्रॉपर्टी नंबर टू, प्रॉपर्टी नंबर टू उधर ही करते हैं, प्रॉपर्टी नंबर टू में ये है इसी को प्रूव दैट प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स ऑफ यूनिटी, प्रूव दैट प्रोडक्ट product of two root of unity is 1, यानी कि जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के प्रोडक्ट लें ना तो आंसर उनका भी क्या आएगा 1 ही आएगा, देखते हैं यानी कि वो ये कह रहा है 1 into ओमेगा का स्क्वायर यूनिटी के जो क्यूब रूट्स थे वो क्या क्या थे 1 ओमेगा और ओमेगा का स्क्वायर, तो इनको क्या करना है हमने प्रोडक्ट करना है मल्टीप्लाई करना है ठीक है, तो लगाते हैं वैल्यूज 1 1 की जगह 1 इनटू ओमेगा की जगह ओमेगा, ओमेगा क्या है वो पॉजिटिव तो क्या है माइनस 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा आयोटा बाय अंडर रूट ठीक है डिवाइडेड बाय 2 इनटू क्या आ गया माइनस 1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय। चलो अब इनको मल्टीप्लाई करें,
तो वन से किसी को मल्टीप्लाई कन्वर्ट तो नहीं करता, ओमेगा वन सा ओमेगा, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से किया तो ओमेगा की पावर कितनी आ गई है, 3 इज इक्वल, हमें पता है कि वन से किसी को मल्टीप्लाई कन्वर्ट तो नहीं करता, 2 वन द 2 3 वन द 3 5 वन द, तो वन मल्टीप्लाई को फर्क नहीं डालेगा। यहां पे देखिए अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है ना हमें, वन तो फर्क नहीं डालेगा, इन दोनों को करते हैं, देखें ये माइनस वन है ये भी माइनस वन है, ये अंडर थ्री होता है ये भी अंडर थ्री होता है, एक फॉर्मूला जो हम बार बार पढ़ते आए हैं वो ये था ना कि जब भी दो रकम मल्टीप्लाई हो रही है, जब भी दो रकम मल्टीप्लाई हो रही है सेम रकम मल्टीप्लाई हो रही है, सिर्फ क्या उनमें अलामतों का फर्क है, तो फॉर्मूला क्या होता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो ऐसे, फर्स्ट का स्क्वायर हमेशा माइनस सेकेंड का स्क्वायर, ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा, देखिए पहली पहली सेम है दूसरी दूसरी सेम है, सिर्फ अलामत का फर्क है फॉर्मूला, तो क्या आ जाएगा पहली का स्केल हमेशा माइनस दूसरी के अंडर थ्री आयोटा, तो आ जाएगा अंडर थ्री आयोटा का स्केल, और सबके नीचे क्या है टू 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 का, फिर देखिए वन किधर गया, वन खत्म हो गया मल्टीप्लाई से वन फर्क नहीं डालता, इधर भी और इधर ओमेगा क्यों किस तरह हुआ, क्योंकि जब बेसिस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, तो टू और वन थ्री का हो गया, ठीक है, तो ये वन किधर गया खत्म हो गया, ये फॉर्मूला कैसे लगा, ये फॉर्मूला जब भी पहली पहली सेम हो दूसरी दूसरी सेम हो सिर्फ अलामत का फर्क हो तो फॉर्मूला लगता है पहली का स्क्वायर माइनस हमेशा माइनस। अब देखो हमें पता है पढ़ा कि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाया करता है और वन की कोई पावर वन होती है तो वन वन था माइनस टू और अंडर रूट गायब हो गया थ्री आ गया और एयोटा का क्या आ गया स्क्वायर नीचे टू का स्क्वायर कितना हो गया फिर देखो माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया वन माइनस टू और अंडर रूट खत्म हो गया टू और वन बाई टू खत्म हो गया थ्री आ गया और एयोटा बाय अंडर से तो एयोटा का क्या आ गया स्केयर आ गया और एयोटा स्केयर क्या होता है भला माइनस वन होता है एयोटा स्केयर किसके इक्वल था माइनस वन था जहां पे एयोटा स्केयर है वहां माइनस वन तो क्या आ गया माइनस माइनस प्लस वन प्लस थ्री ओवर फोर तो हमारे पास ऊपर भी फोर नीचे भी फोर फोर ओवर फोर वन आ गया ठीक है और याद रखना है कि फोर में से फोर निकालें तो जीरो फोर ओवर फोर को डिवाइड किया तो वन आता है ठीक है तो वन आ गया तो यही हमें प्रूव करना था ना ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है ये एक अहम रिजल्ट आया हमारे पास कि ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है वन के इक्वल है फिर हमने देखा कि सम जो है एक ये हमने प्रूव की ये प्रॉपर्टी डिस्कस की एक ये पहले ये कि सम जो है ना वो जीरो होता है और दूसरी दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि जो प्रोडक्ट होता है ना यानी कि ओमेगा क्यूब जो होता है वो किसके इक्वल होता है वन के इक्वल होता है ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है वन के इक्वल होता है ठीक है नाइन्थ में जो हमने किया उसमें क्या था कि जहां योटा स्केयर आता था वहां क्या लगाते थे माइनस वन ठीक है तो हमारी कोशिश होती थी कि जितने भी बड़ी से बड़ी वैल्यूज है ना उनको हम क्या लेके आए स्केयर में लेके आए योटा स्केयर में लेके आए तो यहाँ पे जो ओमेगा क्यूब ओमेगा वाले पावर्स आएंगे ना बड़ी से बड़ी उनको हम तीन के टेबल में लेके आएंगे क्योंकि जहाँ ओमेगा क्यूब होगा वहां ही मान कर रख सकते हैं आप ठीक है जहाँ ओमेगा क्यूब होगा तो हमारी कोशिश होगी क्या करना है हमने कि जो बड़ी से बड़ी पावर्स है जो बड़ी से बड़ी पावर है ओमेगा की ये ओमेगा की पावर 25 आ इसको हम तीन के टेबल में लेके आएंगे क्योंकि हमने ओमेगा क्यूब की जगह क्या लगाना है वन ठीक है हमारी कोशिश होगी कि ओमेगा क्यूब में लेके आए ठीक है ताकि ओमेगा क्यूब की जगह क्या लिखें हम वन लिख सकते हैं ओमेगा स्केयर की जगह वन नहीं लिख सकते ओमेगा फोर की जगह वन नहीं लिख सकते ठीक है ओमेगा की जगह वन नहीं लिख सकते हमने लेके आना है ओमेगा क्यूब तो हम उसे तीन के टेबल में लेके आए ठीक है तो ये है हमारी दो प्रॉपर्टीज थी पहले आपने क्या किया कि वन के तीन आंसर्स लेके आए वन के जितने चाहे मर्जी आंसर्स लेके आए लेकिन हमारे सिलेबस में चूंकि तीन ही आंसर्स हैं तो इसलिए तो पहला हमने ये रिजल्ट इंट्रोड्यूस किया ओमेगा ओमेगा स्केल और वन वाला फिर एक बात कि जो वन के तीन आंसर्स आएंगे ना क्यूब रूट्स आएंगे ना उनमें से एक रियल होगा और दो इमेजिनरी होंगे या कॉम्प्लेक्स होंगे यानी कि ओमेगा और ओमेगा का स्केल तो ये हमने तो एक और रिजल्ट सम ऑफ क्यूब रूट ऑफ इंटीजर और प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 51 सम जीरो आता है और प्रोडक्ट